गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट मम्पी। तो आज क्या करेंगे नहीं पता, क्योंकि इधर मेरी सासू माँ ने कोई काम नहीं करने देते, वो अपने कर रहे हैं और यहाँ पे मेरा काम हो रहा है, वीडियो बना रहा है, एडिट कर रहा है और पोस्ट कर रहा है, यही मेरा काम है। तो ठीक चाची का यहाँ से हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं और इसको देखो, सो के उठ के अच्छे से नींद भी नहीं खुला, लेकिन इसको क्या देखना है, फोन बनाते पर भी ओरकम वीडियो ये कॉलगेट स्माइल, दिन रात सो रहे, इस का काम सोना। अभी रान्ना करे खेत आपस सुए छी, जाय हो सुए चीज तो अभी काज करे, सुए चीज काज करे तापर। अरे हां अभी काज करे ना, अभी घुमाइयो ना, सिंपल बात, सिंपल बात। हम खाते हैं और नहीं सोते हैं। और यहाँ से देखो ठीक यहाँ पे खिड़की के इधर सोने में जो मजा है ना, और यहाँ पे पूरा जंगल, हवा लगता है एसी का हवा। हम दूर से दिखाते हैं, एक सेकंड दिखाते हैं, ईट दे वालों देख कत मजा आसछे एखान थेके सुने के जायगाटा दिए सुते। हवा भलो दिच्छे ना, बहुत मस्त हवा देता है गाइस इसमें। क्या कर रही है अचार खा रही थी तुम? खा गई, खत्म। अचार खाने में तो एक्सपर्ट है मेरी बेटी। ए मम्मा दादी के पास जाओ, दादी बाल बांध देगा, जाओ। इधर सुनो, ये जंगल है, इसके पीछे ये बाबा, ये तो पाना पुकुर लग रहा है रे। इसका सब्जी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है ना, इसका बाटा भी बनता है। मेरी बहन बना, मेरी बहन को आता है बनाना। हमने माथा में तेल इतना चपोड़ के लगा लिए कि हम रील्स भी नहीं बना पाएंगे, अगर तेल नहीं लगाते तो रील्स बना ले। बना ले क्या यहाँ पे रील्स बना ले क्या? हाँ। ऐसे पकड़ के ए तुमको क्या कुछ बोल रहे थे हम ना? आ, क्या घूस? सरप्राइज है, उसके लिए हमको घूस देना पड़ेगा। वो चीज क्या है घूस? बताते हैं, दे हमको फोन, पहले सरप्राइज बताए कि पहले घूस बताए? घूस बताइए, पहले घूस। तुमको याद है तुम मेरे घर पे जब गई थी तब तुम हमको एक स्पेशल थेरेपी मसाज दी थी, ओ वो रहा घूस। हाँ, सरप्राइज बताए, हम लोग कल जा रहे हैं लंच करने, यहाँ का तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ का फेमस रेस्टोरेंट, आप बताओ। दादा बाबू जी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? चलो मजा रहिएगा ना तो। हाँ, हम लोग हम सोचे कि हम सोचे कि रानी को थोड़ा सा खुश कर दे, आज रह ही जाते हैं। हमको भी बहुत मजा आ रहा है, हम लोग आज रहेंगे और हम लोग कल जाएंगे लंच, हम लोग बाहर करेंगे, हम रानी मेरा भी फर्स्ट टाइम है दादा बहुदी, लेकिन हमको मेरा दादा बहुदी लेके जाएगा दादा बहुदी। लेकिन ना वहाँ पे हम ये सुने कि अनलिमिटेड राइस है, लगता। सुने हैं, हमको नहीं पता, उधर जाके बताएंगे। हम तो बहुत नाम सुने पर कभी नहीं खाए, और इन लोगों का घर के बगल में ही है, ये लोग भी कभी नहीं गए, तो फर्स्ट टाइम इन लोगों का भी होगा, मेरा भी। हम एकदम कल फूड ब्लॉगर बन जाएंगे, फूड ब्लॉगिंग करेंगे कल, एकदम दादा बहुदी का बिरयानी का रिव्यू देंगे, और सच बताए तो जेन्युइन रिव्यू देंगे, क्योंकि ये तो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। सब तो कोई कोई ना प्रमोशन करने के लिए भी जाते हैं वहाँ पे, तो वो लोग बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू देता है। लेकिन कल हम जिस उबेर से आए थे, उस उबेर वाला भैया को पूछा था कि भैया यहाँ पे दादा बहुदी का शॉप है, तो वो भैया बोले कि हाँ दीदी यहाँ पे दादा बहुदी का शॉप तो है, पर वो भैया भी बोले भीड़ बहुत रहता है, लेकिन दादा बहुदी जो पहले का टेस्ट और जो पहले का ये था वो अभी नहीं है। देखो हम तो उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा कुछ सुने, लेकिन कल एक रिव्यू मिला, हमको ठीक नहीं लगा वो रिव्यू, बोले कि क्योंकि उन लोगों का ना लगता है ऐसे घमंड बढ़ गया, उन लोगों का जो स्टाफ लोग रहता है उन लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, और पहले से टेस्ट भी बहुत अलग हो गया, अभी पहले जैसा टेस्ट दादा बहुदी में और अभी नहीं है। तो हम बोले चलो मन बना के तो आए थे जाने का, लेकिन एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद अपना रिव्यू देंगे जेन्युइन।
इसके नाटक देखो देखो हमको देख के क्या कर रही है। तुम ये देखते पेज। तो चलो कल जब जाएंगे कल हम आप लोगों को रिव्यू दे देंगे, जेन्युइन रिव्यू देंगे उनका खाना का टेस्ट करके, और उनका जो बोले वो भैया ने कि उनका स्टाफ का बिहेवियर सही नहीं है गलत है उस वो भी सारा रिव्यू मिल जाएगा मेरा कल वाला ब्लॉग में। अभी हम लोग क्या करेंगे मस्ती, और मेरा ननद से हम लेंगे स्पेशल मसाज। घुस लेते ना भाभी, भाभी घुस। तो रानी साइकिल निकाली है, हमको बोली है कि साइकिल चलाना सिखा देगी। वैसे हमको ही मन है साइकिल चलाना सीखना, हम उसको बोल रहे कि हमको सिखा देगी। बोले हाँ चलिए बाहर, इसके यहाँ पे बाहर कोई मंदिर है ना, मंदिर के सामने जो मार्ट है जो, और कैमरे इसलिए हिल रहा है क्योंकि हम झूला झूल रहे हैं। चल हमको सही में सिखाएगी, अभी नहीं सिखाएगी, मार्ट में जाएंगे तब सिखाएंगे। अभी हम आपको चलाना सिखाते हैं कि कैसे ऐसे घुट के चलाना। ठीक है ठीक, चल यहाँ पे चाचा उसको सिखा रहे हैं। ये हम तो एक्साइटेड हो गए, पैदल आ गए। अरे दोनों को आता है चलाना, हम बैठे बस तो हम नाली में ना गिर जाए। রানী তোরটা একটু বের কর না, তোরটা একটু বের কর দেখি। इसको देखो ये अभी रानी का साइकिल निकाल के प्रैक्टिस कर रही है। ओके जाओ ना, ओ छोटा बोल चल मायरा, छोटा पूछो कौन है मायरा, ये कौन है, कौन है जोर से बोलो। बोलती रानी बुआ हमको सीला साइकिल चलना सिखा दो तो मेरा चाचा पसीना पसीना हो जाए। हम लोग इतना हैवी है फिर भी चाचा उस साइकिल का लोड लेके पूरा हम लोग चलाना सिखा रहे थे। देखो देखिए वो बेबी का साइकिल है जो आप बोल बैठे हो ना, इसका साइकिल में बैठ गई मैडा। थैंक यू बोलिए उसको, आप उसका साइकिल लेके आए हो। हाँ तुम हमको दिखा रही हो ना कि हमको आता है इतना अच्छा साइकिल चलाना, हम समझ रहे हैं, हम भी सीखेंगे ना मम्मा। चाची आपको आता है चलाना? मायरा भी सीख रही है, वो क्यों पीछे रहेगी। मायरा दादी को बुलाओ, दादी को बोलो दादी स्माइल करो, फोटो खींच से इधर रखो मायरा, इधर देखो दादी के साथ फोटो खींच देते हैं। तो हम लोग एक गेम खेलने का सोचे हैं, वो गेम हो रहा है ये दोनों मुंह में पानी भरेगी
हम भी भरेंगे लेकिन हम लास्ट में भरेंगे और हंसाना पड़ेगा ये दोनों को कुछ भी होना तो सुको हम सब हटा देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है और शायद हम लोग तीनों फ्रेम पे ना आ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट है, तो जो गिफ्ट आप लोगों को भी पता है आप लोगों, लेकिन वो गिफ्ट हम गेम के बाद में बताएंगे। तो चलो तब तक आने दो मेरा छोटी वाली ननद को गेम का, हम तब तक आप लोगों को गेम समझा दे रहे। गेम ये है, ये दोनों मुंह में पानी भरेगी, ठीक है ठीक। हम इन लोगों को हंसाने का, शायद हम गेम बोल दी ना अभी, हाँ। अभी हम गेम बोल दिए थे, हाँ भाई, हम इन लोगों को हंसाएंगे। जो मुंह से पानी निकालेगा वो हार जाएगा और जो नहीं निकालेगा वो जीत जाएगा, और जीत जाएगा तो अच्छा गिफ्ट है उसके लिए। और जो हार जाएगा उसके लिए पनिशमेंट भी है, बताए क्या, नींबू कच्चा खाना है उसको, नींबू। चल अब हम लोग तीन लोग फ्रेम में आए हैं, अब तुम पानी भरो, हम हंसाएंगे पहले, तुम दोनों पानी भरना, देखेंगे हम नहीं हंसाएंगे, उनको हंसाना नहीं आता, आप ही हंसाएंगे। और भरो, आप भी से हूँ मत करो छोटकी बहुत होशियार है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, मुंह में हाथ देना नहीं चलेगा, सॉरी। चलो 1 2 3 स्टार्ट, तुम्हारा काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब से तुम अगर हंसोगी ठीक है चलेगा, मुंह से पानी निकालोगी तो आउट, ठीक है। पनिशमेंट दोगी तो दे दो हमको, नींबू दे दो,
क्योंकि आइडिया इसी का था कि पनिशमेंट होगा नींबू। देगी कि नहीं देगी? देगी पनिशमेंट। गेमिंग भी उसी का आइडिया का था। सुबह से भाभी गेम खेली लफिंग गेम खेले, लेकिन हम लोग अभी तक जो भी वीडियो देखे हम लोगों कोई भी वीडियो में हम किसी को हंसी नहीं आ रहा था, तो हम बोले कि इसको तो हंसी नहीं आ रहा था, फालतू ब्लॉपर हो जाएगा, हम लोगों को हंसी नहीं आ रहा था। मतलब हम लोग खुद से इतना कॉमेडी है कि हम लोगों को कोई दूसरे का कॉमेडी पर कोई हंसी नहीं आ रहा, तो हम लोग का फेंस ही ऐसा लगता है कॉमेडी हम ही खुद को देखे हंस दे मिरर पे ऐसे टाइप का। तो हमने छोड़ इसमें नहीं चला, तो मतलब कोई भी गेम खेला मैं चले यही पनिशमेंट में। और एक रूल है क्या, हम आपका मुंह में पूरा दे दे रहे हैं, आपको रिएक्शन नहीं देना, अगर देती है तो आपको नंगा खाना पड़ेगा। नहीं ये क्या बात है, हमको ना अभी ऐसे ही नॉर्मल, मेरा फेस स्माइल टाइप का है तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब खट्टा में नहीं करेंगे खेलेंगे। हम लोग दूसरा गेम खेलेंगे। चल ठीक है, हाँ ठीक है। तब चलो आई हूँ, आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।